या अरे अभी कौन आया? अभी कौन आता है? उतना गुस्सा क्यों? शांत बैठो, जाओ देखो। अरे तुम इतना सज धज के क्यों आए हो? बर्थडे है क्या? वो ना मेम साहब, मैं है ना दूसरा जॉब करता हूँ, उन्होंने नए कपड़े दे दिए पहनने के लिए, इसलिए मैं वो पहन कर आया हूँ। क्यों, अच्छे नहीं है? ये अच्छे है, लेकिन मेरे जितने अच्छे नहीं है। आ जा। बर्थडे सानवी, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मैंने शॉपकीपर से बोल दिया है कि सबसे बेस्ट केक लाने के लिए, आज तो मैं तुम्हारा बर्थडे ग्रेट ही कर दूंगी। हाँ करी थी ना। अच्छा, अरे वाह, आज मेरा भी तो बर्थडे है, लेकिन डैडी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता, बस उनका काम तो झाड़ू पोछा में लग जाता है। चलो मैं डैडी को पूछती हूँ कि वो मुझे गार्डन में घुमाने के लिए ले जाएंगे या नहीं। अरे पापा। हाँ बेटा। आज मेरा बर्थडे है। हाँ बेटा, आपका बर्थडे है, लेकिन सानवी का भी तो, सानवी दीदी का भी तो बर्थडे है। तो बेटा क्या हुआ, वो लोग अमीर लोग हैं और हम गरीब हैं, और हमारे लिए बर्थडे वगैरह वो सब आम दिनों की तरह है, और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम अपनी पार्टी करें? वो लोग अमीर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप मुझे गार्डन घुमाने के लिए तो ले जाइए। बेटा अभी घर का बहुत काम रहता है, सानवी दीदी का, आपका सानवी दीदी का बर्थडे पार्टी है ना, तो वो सब डेकोरेशन करने के लिए मैं इधर हूँ, मुझे डेकोरेट करना है वो सब। अभी मालूम नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, सानवी दीदी, सानवी का बर्थडे का बहुत काम रहता है। तो चलो मैं मेम साहब से बात करता हूँ, मैं आपको बता दी। मेम साहब। हाँ, क्या है? मेम साहब, वो ना आज ना वो जानवी की ना जन्मदिन है, तो मैं आज आधा करके जाओ छुट्टी ले लूँ, क्योंकि वो बहुत जिद कर रही थी कि मैं उसको गार्डन में घुमाने ले जाओ, प्लीज मिम साहब। नहीं गंदी बात से रही, तुम थोड़ा दूर जाकर बात करो, तुम पर्स नहीं निकालती क्या? अच्छी। हाँ अब तुम भूत बनके क्यों खड़े हो, कुछ तो बोलो। हाँ और तुम गार्डन वार्डन नहीं जा सकते, शान के बर्थडे पार्टी में सब साफ करना है और वो सब, और इनफैक्ट मैं तुम्हें बोलने वाली थी कि तुम्हें यहाँ शाम तक रुकना है, क्योंकि तुम्हें ये सब और पार्टी के बाद ये सब साफ करना है ना, वो सब भी करना है। अब जाओ पार्टी के लिए साफ करो। इतना गुस्सा और चिल्ला रहे क्यों हो? वो काम वाला है ना, वो अद्दू, उसकी बेटी का वो जन्मदिन है, इसीलिए वो है ना उसे कहीं बाहर घुमाने लेकर जा रहा है, इसीलिए हाँ उसका कोई औकात है क्या? नहीं ना। पर उसका बेटी का जन्मदिन है, वो जा रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि वो गरीब है और हम अमीर है। ये बहुत गलत बात है। गलत बात है, गलत बात। जानवी। हाँ? रुको तो, ये बैग किसका है? ये शिवानी भैया ने मुझे दिया। अगर वो दे दिया तो तुम ले लोगे क्या? बेटा नहीं बेटा, जा उसको रिटर्न करके आओ। बेटा अच्छा ठीक है। आजकल के बच्चे। शिवानी भैया ले लो अपना बैग। नहीं वो चाहे तो ले सकते। जानवी बेटा जान दो। हाँ हाँ पापा। वो ना मेरा 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा और फिर हम घर चलेंगे, ठीक है? अरे लेकिन मुझे तो वो बैग चाहिए। क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं पापा, मैं बस 2 मिनट में पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, मैं बैग लूंगी। पापा चलते हैं। चलो चलो। बैठो बैठो।
तुम्हारा बैग कहाँ हो सकता है? हाँ? कहीं वो अदो और जानवी ने चोरी तो नहीं किया? नहीं मुझे नहीं लगता। रुको मैं अभी बुलाती हूँ। जानवी, अदो, अदो, जानवी कहाँ है वो? मुझे लग रहा है वो घर चले गए। मतलब वही है चोर। मैं अभी फोन करती हूँ, रुको। हेलो अदो। हाँ बोलिए मैम सर। क्या तुमने मेरा बैग लिया क्या शिवांश का? हाँ मैम सर, एक मिनट मैम सर, मैं उससे बात करता हूँ। जानवी ने लगता है, जानवी वो बैग तूने चोरी किया है ना? दिखा मैं। शिवांश का बैग चोरी किया था ना, अब क्लास लीजिए। बैग किसने चोरी किया बे? मेम साहब वो ना जानवी ने चोरी की। तुम दोनों इसी यहाँ रखो।